अभी जो किशनगढ़ के मदनगंज थाना है वहाँ का सरोज देवी गुजर का मामला है। यहाँ पर उस ये परिजनों का ये आरोप है कि उसकी हत्या करके फिर शव को लटका दिया गया था, और जो किशनगढ़ पुलिस के जो मदनगंज थाने के SHO है और वहाँ के जो DYSP है उनकी जांच से ये संतुष्ट नहीं है। और हमारा भी ये आरोप है कि वास्तव में जो हमारे गुजर समाज की बच्ची को हत्या करके उसको पेड़ पे लटकाया था, और वास्तव में जो अपराधी थे वो सातिर दिमाग के थे, इसलिए वो पकड़ में नहीं आ रहे। अपना जुर्म को छुपाने के लिए उन्होंने पेड़ पे लटका दिया, और सही तरीके से जांच नहीं हो रही है, और जो अपराधी है उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। तो आज SP साहब से मिल रहे हैं, किशनगढ़ के विधायक साहब और यहाँ के जितने हमारे गुजर समाज के हरि सिंह जी, जितने बुजुर्ग लोग हैं, जगदीप जी, चेयरमैन साहब, भगवान जी, हम सभी हमारे समाज के और बाकी अन्य समाजों के लोग भी यहाँ पर आए हैं। हमारी एक ही मांग है SP साहब से कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और न्याय वास्ते में दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। यदि कोई अपराधी सातिर प्रवृत्ति का किसी को सातिर तरीके से हत्या करके उसको पेड़ पे लटका देता है तो उसकी वास्ते में जांच होनी चाहिए। और हमारे तो यही मांग करते हैं कि हमारे जो अपराधियों ने जिन्होंने जुर्म किया है वास्ते में उनको सजा मिलनी चाहिए। नाम बताइए। अनोरथ गुजर। आप महीने भर पहले एक लड़की थी वहाँ की बेटी, वो सुसाइड है या मुझे नहीं पता क्या है, वो कहीं लटकी हुई मिली है घर से बाहर। ससुराल वालों पे आरोप है, पैयर वालों का आरोप है कि उसको मार के लटकाया गया है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई है, पुलिस ने अभी तक उस तरफ कोई कार्रवाई नहीं करी है, इसलिए समाज में आक्रोश है। और सारा समाज इकट्ठा होकर मेरे पास आया था वहाँ किशनगढ़, मैंने इनको कहा भाई 5 आदमी समाज के आप चल चलो मेरे साथ, मैं SP साहब से बात कर लेता हूँ। तुरंत मैंने SP साहब से बात करी है, SP साहब ने तुरंत हाँ कर दी, सारे काम छोड़ के आप आ जाओ पहली प्रायोरिटी पे, आप लोगों मैं आपसे बात करूँगा। और ये सब यहाँ आ गए मेरी बिना उसके, और यहाँ आके जो यहाँ पे रोड पे खड़े हैं, थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगा, तो इनको यही समझा रहा हूँ कि मैं 5 आदमियों के साथ ही बात कर सकता हूँ, सबके साथ बात नहीं कर सकता हूँ। SP साहब से बात करेंगे, ये वहाँ जो DYSP है उनकी जाँच से संतुष्ट नहीं है समाज, ये चाहता है कि हमारी जाँच बदले और पुलिस पूरी ईमानदारी के साथ इस पर जाँच करे ताकि खुलासा हो जाए कि उसको ससुराल वालों ने किस तरह प्रताड़ित किया था, वो ये मौत किस तरह से हुई। जो प्रदर्शनकारी आए हैं उनको कहीं ना कहीं पुलिस की जांच के ऊपर सवालिया निशान। हाँ क्या जी, यही वजह ये बात SP साहब की जानकारी देने के लिए मैं आया हूँ कि जो जाँच हो रही है इससे समाज संतुष्ट नहीं है, परिवार संतुष्ट नहीं है।